एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन को रूसी आक्रामकता से बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ने इसराइल को समर्थन देकर उसे गाजा पर आक्रामकता करने की छूट दे दी। यह अलग बात है कि अब अमेरिका इसराइल को गाजा में सैन्य अभियान न चलाने के लिए चेतावनी दे रहा है, तो इसराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। इससे पहले तक अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों ने यमन के हूती लड़ाकों पर हमले किए, जबकि हूती ठीक उसी तरह हमास की तरफ से लड़ रहा था जैसे अमेरिकी समर्थन पर इसराइल हमास से लड़ रहा है। ये पश्चिमी गठबंधन अभी भी हूती विद्रोहियों पर निशाना बनाए हुए है। अब इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेजिया ने कहा कि यमन पर पश्चिमी गठबंधन के हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। नेबेजिया ने कहा कि इसका कोई बहाना नहीं हो सकता है और इससे लाल सागर में तनाव और बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए संप्रभु यमन के क्षेत्र पर पश्चिमी गठबंधन के अनुचित हमलों के कारण पहले से ही कठिन स्थिति और भी जटिल हो गई है। इस तरह की कार्रवाइयों और यमन के पास जल क्षेत्रों में चल रहा सैनिकरण लाल सागर में शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। नेबेजिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि वे केवल तनाव बढ़ाते हैं। नेबेजिया ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के संदर्भ में इस आक्रामकता को उचित ठहराने के प्रयासों की विफलता पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का असफल अनुभव ये साबित करता है कि यमन के खिलाफ बल प्रयोग करने से लाल सागर की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हमें सभी क्षेत्रीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। इधर गाजा पट्टी में इसराइल द्वारा सैन्य अभियान तेज किए जाने और युद्ध बढ़ने के बाद अंसार अल्लाह आंदोलन ने चेतावनी दी है कि वो इसराइली क्षेत्र पर बमबारी करेगा और जब तक गाजा में इसराइली ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक उससे जुड़े जहाजों को लाल सागर और बाब अल मंडेब जलड मरुमध्य से गुजरने से रोकना जारी रखेगा। आपको बता दें कि इधर इसराइल गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों पर हमले कर रहा है और बदले में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में नागरिक जहाजों पर हमला किया है। अंसार अल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि उनके सपोर्टरों का इरादा हिंद महासागर के केप ऑफ गुड होप तक यात्रा करने वाले इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करने का था। 3 मई को ही हूती लड़ाकों ने युद्ध के चौथे चरण की घोषणा करते हुए भूमध्य सागर सहित उन क्षेत्रों में इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले सभी जहाजों पर हमला करने की कसम खाई है।